हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्यन। इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूपी जुडिशरी जीएस पेपर निकालने के 5 टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो मैं अपने अमूमन बैचेस में भी बच्चों को बताता हूं। ऐसी 5 चीजें जो आप लोग जुडिशरी एग्जाम जिनके द्वारा निकाल सकते हैं, खासकर जीएस पेपर वाले को। तो टॉप फाइव टिप्स हम लोग जानेंगे जीएस पेपर को कवर करने के तरीके को, और किस किस तरीके से आप जो है 100 क्वेश्चंस जो है वो सही कर सकते हैं 150 में से। और जिसने 100 कर लेता है वो 100% मेंस लिखता है और सिलेक्शन भी होता है। तो 5 तरीकों को जानेंगे, और इसके साथ साथ नंबर 1 हम देखते हैं। पहला तरीका बस यही है, आप लोगों को पढ़ना है क्या प्रीवियस ईयर के जितने भी आप लोगों के पेपर है उसको आप लोगों को देखने हैं। और ये आप लोग घटना चक्र के माध्यम से पढ़ सकते हैं, यह एक बुक आती है शिल्पी पब्लिकेशन की, उससे यूपी पीसीएस के, ठीक है, पेपर प्रीवियस ये पेपर। और अब तो ये मार्केट में जुडिशरी की भी आ चुकी है, यूनिवर्सल लॉ पब्लिशर्स की, वहां से भी प्रीवियस ईयर के पेपर आप लोग पढ़ लेंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ के आप लोग गैस कर सकते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन और फॉर्मेट या जो क्वेश्चन फ्रेमिंग है प्रीमे किस तरीके का पूछा जाता है, करंट अफेयर कितनी है। एक तो आप लोगों को यह करना है सबसे पहले। और इसकी टिप्स ये है कि आपको कम से कम सप्ताह में, यानी एक वीक में आपको एक बार प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना है, चाहे आप किसी भी ईयर का पढ़े, चाहे आपने कितनी बार भी पढ़ रखा है, लेकिन आपको पढ़ना है। क्यों? रियलाइज कराने के लिए। जब इंसान कोई आगे बढ़ता है तो उसे हमेशा पुराने दिन अपने याद करते रहने चाहिए, क्योंकि तभी तो कहते हैं कि डाउन टू अर्थ आदमी। जब तक हम बड़े कितने बन जाए, लेकिन पुराने दिन यदि याद रखेंगे तभी हम आगे बढ़ते रहेंगे, अच्छे काम करते रहेंगे। इसलिए कंपटीशन में क्या है कि पढ़ने से ज्यादा जरूरी है प्रीवियस ईयर के पेपर्स का बार बार एनालिसिस करते रहना। और कहते हैं क्या, एनालिसिस आपसे बेटर कोई और दूसरा नहीं कर सकता, इसलिए आपको सेल्फ रियलाइजेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उससे आप मदद ले सकते हो एग्जाम को क्रैक करने की, एग्जाम को गैस करने की। नंबर 2 आप लोगों को ध्यान रखना है क्या, करंट अफेयर का। देखिएगा, मैं करंट अफेयर आप लोगों से कहता हूं कि भाई जुडिशरी में करंट अफेयर का एक बहुत बड़ा रोल है। प्री पेपर में 40 नंबर 50 नंबर तक करंट अफेयर पूछी जा चुकी है। यूपीपीसीएस के पैटर्न पे पेपर बनता है, आप लोगों को पता है, और क्योंकि बस इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं आती, और मेंस में 130 से लेकर 140 मार्क्स तक का करंट अफेयर आप लोगों को आता है। तो करंट अफेयर के टिप्स ये है कि आपको 2 तरीके से करंट अफेयर तैयार करनी। पहले तो आप लोग छोटे छोटे सिनोप्सिस बनाइए, वो प्री में काम करेंगे और वही सिनोप्सिस मेंस में करेंगे। एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों का, जैसे मान लीजिएगा कि भाई जैसे नीति आयोग क्या है, ठीक है, जैसे नीति आयोग क्या है, तो आप इसकी फुल फॉर्म लिखें, इसकी स्थापना लिखें, किस वर्ष में स्थापना हुई, अध्यक्ष कौन है, सीईओ कौन है, या वाइस प्रेसिडेंट इसका कौन है। तो यही क्या हो गया प्री में जो क्वेश्चन बनते हैं। अब मेंस में क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, न्यूज में क्यों रहा, इसका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इसके सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये मेंस को आप लोगों को रिलेट करना पड़ेगा। और इसका वर्किंग क्या है, पावर्स क्या है, वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयार करनी पड़ेगी। यानी एक टॉपिक को आप लोगों को प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार करना है, और साथ ही साथ मेंस के तरीके से उसे डायनेमिक सिनोसिस आप लोग तैयार कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मेंस के समय आप लोगों को दिक्कत आती है समय के और प्रैक्टिस की। तीसरी सबसे ज्यादा जरूरत है, सप्ताह में एक वीक में आप लोग एक दिन फिक्स रखें रिवीजन करने का, वो भी क्या, जो आज तक आप लोगों ने पढ़ा है, या पिछले सप्ताह या उससे पहले सप्ताह आपने जो भी पढ़ा है, आप लोग बस केवल रिवीजन करेंगे। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा, और कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा तो पॉजिटिविटी आएगी, और पॉजिटिविटी आएगी तो आपका मन भी लगेगा, एक्यूरेसी स्ट्रॉन्ग होगी। आपको पता है क्या, 130 की निगेटिव मार्किंग है आपके एग्जाम में, और इसको दूर करने के लिए रिवीजन मस्ट है। नंबर 4 ट्रिक आप लोगों को बता दे रहा हूं, ये बेसिक चीजें हैं लेकिन इन्हें अमल कर पाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नंबर 4 है कि आप चाहे छोटा ही बनाए, 1 या 2 दिन का ही बनाए, 3 या 4 घंटे का ही बनाए, लेकिन टाइम टेबल जरूर बनाए, पहले छोटा बनाए। ऐसा नहीं कि पहले दिन 24 घंटे का बना दिया कि भाई 12 घंटे पढ़ना है, इतने सोना, इतना खाना है, ऐसे नहीं, छोटा बनाइए। आप केवल 2 घंटे का ही बनाइए, और 2 घंटे में करिए, इन 2 घंटे में 45 मिनट मेरे को ये पढ़ना है, 45 मिनट मेरे को ये पढ़ना है, 45 मिनट मेरे को ये पढ़ना है। 2 दिन का बनाइए, 3 दिन का बनाइए, इससे ज्यादा नहीं। फिर जब 3 दिन कंप्लीट हो जाए तो आपका क्या होगा, एज ए टास्क इसको लीजिएगा और ये फुलफिल आपका हो जाएगा।
और इसकी मदद आप लोगों को एग्जाम में मिलेगी, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए आप लोग इसका उदाहरण ले सकते हैं इंडियन आर्मी से, इंडियन नेवी से, इंडियन एयरफोर्स से। जब वो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है तो वहां पर टास्क दिए जाते हैं और उन्हीं टास्क को कंप्लीट करके व्यक्ति एक सैनिक से पैरा कमांडो बनता है। समझ रहे हैं आप लोग? आगे नंबर चार जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या, नंबर पांच, वो आप लोगों को ध्यान रखना है क्या। इसमें तीन बातें आप लोगों को याद रखनी है। नंबर एक, बीच बीच में किसी भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की डॉक्यूमेंट्री, उसका इंटरव्यू, उसके बारे में पढ़ना, ये जरूर आप लोगों को ध्यान रखना है। ये आप लोगों को जो भी आपके क्लासमेट हैं, सीनियर हैं, या जो भी जजेस हैं, इसकी हेल्प आप इलाहाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट से जजेस के डाटा मिल जाते हैं पूरे, उनका जन्म क्या हुआ, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनके क्वालिफिकेशन क्या है, पूरी डेटा सार्वजनिक होता है वेबसाइट पे, वहां से जाकर अपने आप को कंपेयर करिए तो आप पाएंगे कि उनसे आप बहुत आगे हैं, तो डीमोटिवेट आप नहीं होंगे। और इसी में कड़ी आप लोगों को जोर दे रहा हूं, सिलेक्टेड कोर्स आप लोग रखिएगा, सिलेक्टेड कंटेंट आप लोग रखिएगा, सिलेक्टेड चीजें बुक्स आप लोग रखेंगे तो आपको कंफ्यूजन कम होगा, ज्यादा पढ़ पाएंगे, समय कम बचेगा, समय जो है आप उसे यूटिलाइज कर पाएंगे। इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके लिए 21 मार्च से यूपी जुडिशरी का हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं, पांच, जो आने वाले जुडिशरी एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आई होप आपने इस वीडियो को काफी इंजॉय किया होगा। जीएस की क्लास सुबह 10:30 बजे और शाम 4 बजे चल रही है, लाके रवि सर ले रहे हैं, तो आप लोग यूपी जुडिशरी के हमारे साथ क्लासेज ले सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, पॉलिटी, करंट अफेयर, एक साल का मैं करा रहा हूं जुलाई 2021 से, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कंटेंट, टेस्ट सीरीज, मॉडल टेस्ट पेपर, ये सब चीजें आपको इसमें मिलेंगी। इस कोर्स के बारे में पूरी डिटेल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, क्लासेज हमारे ऐप पर होती है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।